सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटर्स नॉलेज। तो आज हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो की तरह ही आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक ना। और आज के बहुत ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, तो आज देखिए आप लोगों के लिए यह वीडियो जो है मज़ेदार होने वाला है। तो जो करना चाहिए आप लोगों को कर देना है, और नहीं करना है तो बाद में कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इस चैनल का नाम क्या है। तो आप लोगों को अभी अभी बताया कि मेंटर्स नॉलेज है, और आप लोगों को नीचे में भी मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो की तरह आज हम लोग भी एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए है 10th क्लास का। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहले आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि बहादुर, जैसे कि कल हम लोग पढ़े थे पिछले वाले वीडियो में, जो आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आप लोग को मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को जो है हर एक सारा, मतलब कि सारा जो जितना भी वीडियो है इस सेशन को लेकर के, हिंदी वाला जो सेशन चल रहा है अभी, अब क्या करेंगे दोस्त, अभी क्या है ना कि दिवाली आ गई है ना, मतलब आ गया है, तो थोड़ा सा फटाका और बम सब चीज़ का आवाज़ आते रहता है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक ना। तो चलिए और क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। तो इस तरह का आवाज़ जो है आती रहेगा, तो इसके लिए आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है इसका हम लोग जो है आंसर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए है, 10th क्लास वालों के लिए है, सब के लिए है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि बहादुर के आने से पहले, देखिए बहादुर बहुत ही अच्छा लड़का था, जिसका फुल नाम क्या था, जिसका पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक ना। और इसका जो है, मतलब कि इसके लेखक के घर आने के बाद इसको जो है दिल शब्द जो है इससे निकाल दिया गया, और इसमें जो है सिर्फ बहादुर ही रखा गया। तो यहाँ पे देखिए इसका बहुत लंबा प्रोसेस है, स्टोरी है और दिल बहादुर का। और यहाँ पे हम लोग जब वो स्टोरी पढ़ेंगे कुछ वीडियो में, ठीक ना, या आप लोगों को जो है बना देंगे उस वह वीडियो, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों को पिछले वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा, यह भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। और हो सके तो शेयर हो, लाइक हो, सब्सक्राइब हो, जो हो कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते पहले क्वेश्चन। तो बहादुर के आने से पहले क्या है कि देखिए बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा, मतलब कि जब बहादुर जो है लेखक के घर आए थे फर्स्ट बार, तो उसके घर में आने के बाद उसके घर का माहौल किस तरह का हो गया था, मतलब उसके परिवार और वहाँ का, मतलब उस लेखक के घर के आदमी बहादुर को देख करके किस तरह, मतलब कि महसूस किया, और जो वहाँ पे मतलब कि किस तरह का माहौल बना दिया। तो यहाँ पे वही पूछ रहे कि घर और परिवार के सदस्य पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक ना, आने के बाद, और जिस दिन आया था और आने के बाद किस तरह का, मतलब उस जो है प्रभाव पड़ा। जैसे कि फर्स्ट दिन जब आया था तो मतलब कि एक बहुत ही परिवार जो खुश हुआ लेखक जी का। तो यहाँ पे देखिए जब बहादुर लेखक जी घर आए थे तो घर में कितना प्रभाव आया था उसके घर में, देखिए पहले पढ़ लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लिए हैं और यहाँ पे उत्तर आप लोगों को बता देते हैं, और वैसे भी आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा टेलीग्राम में, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि नहीं किए हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जाना है, वहाँ पर आप लोगों को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए बहादुर का लेखक के घर आने से उत्साहपूर्ण वातावरण हो गया। जैसे ही लेखक जो है, लेखक बहादुर को लेकर के अपने घर आए, आज थोड़ा सा गला थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ठीक ना, और तो आवाज़ आप लोगों को बीच बीच में थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी जो है ना थोड़ा सा कफ थोड़ा सा भर गया, ठीक ना, तो इसलिए आप लोगों को आवाज़ थोड़ा सा भारी सुनाई देगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए कोई बात नहीं, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आप लोगों के लिए जो यहाँ पे है कि क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि बहादुर का लेखक क्या है कि बहादुर का लेखक के घर आने से उत्साहपूर्ण वातावरण बन गया, मतलब कि उसके घर आने से बहुत ही एक मतलब कि अच्छा सा माहौल बन गया लेखक जी के घर आने से बहादुर का। देखिए क्या उसके बाद क्या क्या प्रभाव पड़ा लेखक जी के घर में, यहाँ पे देखिए उसने अपने हंसमुख
अपने हसमुख और मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया था। मतलब कि बहादुर जो है वह अपने मेहनत और अपने हसमुख चेहरे को लेकर के जो है वो पूरे मतलब परिवार का दिल जीत लिया था। अब देखिए इसके प्रभाव क्या पड़ा बहादुर पर। देखिए यह मतलब कि इस पर इतना चीज़ करने के बाद और कुछ होता है कि मतलब हद से ज़्यादा हो जाता है, तो वह कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो वह जो है खराब ही करता है, ठीक ना। तो इसलिए कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक ना। हाँ हो सके पढ़ाई भी कीजिएगा, ठीक ना। हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं करना। जैसे कि यहाँ पे बहादुर के साथ हुआ, आप लोग अभी सुन लीजिए इसका जो इसके साथ जो घटना घटा। यहाँ पे देखिए घटना जो घटी इसके साथ, यहाँ पे देखिए मेहनत के बल पर सबका दिल जीत लिया, लोगों की आदतें धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। मतलब कि ये जो है अपना सबका दिल जो जीत लिया, अपने सब कुछ अपने मेहनत या हसमुख चेहरे से जो कुछ भी हो जिस तरह से हो अपना सबका जो है दिल जीत लिया। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, मतलब कि ये जो धीरे धीरे वहाँ का जो उस परिवार का जो मेंबर्स था, वो फैमिली का मेंबर्स मतलब उस परिवार के सदस्य जो था उसका धीरे धीरे आदत जो बिगड़ने लगा। क्या सब आदत बिगड़ने लगा यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आदतें क्या सब बिगड़ने लगी यहाँ पे, कि एक गिलास तो यहाँ पे देखिए जब एक गिलास पानी का भी जरूरत पड़ता था, पहले जब बहादुर नहीं था अरे एक गिलास ला लेता था, लेकिन अब क्या होता है धीरे धीरे सबका आदत बिगड़ने लगा। अब एक गिलास पानी भी जरा सा कोई भी छोटा सा सामान भी बहादुर से ही मंगवाता था। देखिए अब आगे क्या हुआ। हाँ तो यहाँ पे देखिए तो पानी भी इसी से मांगा जाने लगा। लेखक की पत्नी पड़ोसनी से दूरी बनाने लगी, मतलब कि एक तरह से होता है ना मतलब कि घमन आ गया, मतलब कि वह जो है अपने पड़ोसी से जिसको पहले बहादुर के नहीं आने के पहले जो वह अपने मतलब पड़ोसी के यहाँ जाते थे और मिलजुल के जो बातचीत होता है वह सब करते थे, लेकिन जब बहादुर आ गए तो वहाँ पे जो अपना पड़ोसी से जो अपना दूरी बनाने लगी, मतलब उसके यहाँ जाने से मतलब कि घृणा करने लगी, ठीक ना। तो यहाँ पे अपना जो है एक औकात होता है ना वो दिखाने लगे, मतलब हम बड़े आदमी हैं, ठीक ना। इस तरह से जो है वो अपना जो है मतलब कि दूरी बनाने लगे अपने पड़ोसियों से और उसके यहाँ जाने आने नहीं लगा। अभी देखिए आगे क्या हुआ, मतलब उसके अपने पड़ोसी के यहाँ और किसी से मिलना जुलना सब बंद कर दिया, ठीक ना। यहाँ पे देखिए आगे क्या हुआ और उसके मतलब कि अपना जो है सबको बताने लगे कि इस तरह से। अब देखिए आगे क्या हुआ, मतलब लेखक की पत्नी पड़ोसनी से दूरी बनाने लगी, हैसियत का प्रभाव दिखाने लगा, मतलब अपना हैसियत जो अपना औकात सबको दिखाने लगा। अब देखिए आगे, मतलब कि मेरे यहाँ नौकर है, ये है वो है, सब काम वही करता है, ठीक ना। होता है एक तरह से, आप देखिए मतलब कि हो जाता है बहुत सारा आदमी को इस तरह से जो है मतलब कि जब खुशी मिलता है तो वह सबको बताने लगता है, अपना सब चीज़ दिखाने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है लेखक जी के घर में हुआ, जब बहादुर लेखक जी के घर में आए। अब देखिए आगे क्या हुआ, तो प्रभाव दिखाने लगा, सभी आराम फरमाने के शौकीन, यानी सभी जो है अपना 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 जो है आराम फरमाने का शौकीन पूरा करने लगा। मतलब कि कोई सोया रहता था, अब जो भी काम होता था उन्हीं से, बहादुर ये ला दो वो ला दो इधर आ, मतलब कि हर दिन बेचारे को जो है वह सारा काम करना पड़ता था, हर एक काम उसी को करना पड़ता था, क्योंकि वह जो है हद से ज़्यादा जो हो मतलब कि इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए था, मतलब कि जितना जरूरी है उतना ही करना चाहिए था। कभी कभी हो जाता है ज़्यादा, लेकिन आप लोग वो उस सिचुएशन को देख कर के लिए कोई भी काम करना चाहिए कि हम मतलब कि मेरे लिए कितना ये काम चल सकता है उसी के हिसाब से कोई काम करना चाहिए। तो आज आप लोगों की एक तरह से मोटिवेशन और गाइड भी आप लोगों को मिल गया होगा, कोई काम अपना सीमा ही तक करना है, सीमा के अंडर ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वह खराब ही कर सकता है। यदि आप लोग ज़्यादा खाना खा लेते हो तो क्या होता है कि पेट झड़ जाता है, इसी तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, आप लोग का पेट दर्द करने लगता है। इसीलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, सीमा से बाहर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे बहादुर के साथ हुआ उसी तरह से घटना घट सकती है, इस तरह का गलती आप लोग मत कीजिएगा। नहीं तो अब अंतिम में क्या हुआ, बहादुर को वह घर छोड़ना पड़ा, इस तरह का हालत हो गया था बहादुर के साथ कि अंत जैसे कि आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वह घर अंतिम में छोड़ दिया था, इतना मतलब कि तंग आ गया था उस घर से कि अंतिम उसको वह घर छोड़ना पड़ा था। मतलब कि गलती अपना सुधारना तो पड़ेगा ही, गलती क्या था तो अब क्या करना पड़ेगा, मतलब कि वह क्या कारण था कि वह अपना घर छोड़ दिया था, हम लोग उस वीडियो में बात, जैसे कि आप लोगों को जो पिछले वाले वीडियो में एक क्वेश्चन दिए थे आप लोग कोई भी नहीं जवाब दिए, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन का आप लोगों को जो है
जवाब दे दीजिएगा, ठीक ना। और इसका क्वेश्चन और आज जो हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं उसका क्वेश्चन आप लोगों को जो है अगले वाले वीडियो में जो है आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन देने वाले हैं कि बदी नारायण चौधरी, ठीक ना, जो आप लोगों के बुक का जो है एक कहानी का जो है लेखक का उसका जन्मदिन आप लोगों को बताना है, जन्म कब हुआ था, ठीक ना। और आप लोगों को दो क्वेश्चन देते हैं कि बहादुर ये जो है भीमराव अम्बेडकर जी, और ये जो है इसका कहाँ जन्म हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आप लोग को जो है पिछले वाले वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को जाना है और जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे थे उसका जवाब दे दीजिएगा। यदि नहीं होगा तो आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, तो कोई बात नहीं। यदि आप लोगों को नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन जरूर कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ कि आप लोग आंसर नहीं दे पाए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, आज के लिए इतना है। और यहाँ पर देखिए कल जो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे देखिए कलकत्ते के दर्शक के प्रशंसक बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन हम लोग कल करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये वीडियो अच्छा लगा होगा या खराब लगा हुआ या कैसा भी लगा आप लोग को कॉमेंट में बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना है, और यहाँ पर हम लोग जो है वीडियो को एंड करते हैं, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आगे जो वीडियो मेरा आने वाला है उसके लिए आप लोग एक्साइटेड रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और दिवाली के लिए आप लोग तैयार रहेगा क्योंकि दिवाली आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।